नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रन बाकुरे में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। गणतंत्र दिवस परेड के मद्देनजर बुधवार को सैन्य बलों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सेना दिवस परेड के आगे जवानों ने रिहर्सल की। रिहर्सल में आप देख सकते हैं कि किस तरह सेना के जवान कदम से कदम मिलाकर परेड कर रहे हैं। रिहर्सल में सेना का घुड़सवार दस्ता भी शामिल था। इस दौरान लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए 3 सैनिकों को मरणोपरांत सम्मान भी दिया गया। इस दौरान तीनों शहीद सैनिकों की पत्नियों ने पुरस्कार ग्रहण किया। मरणोपरांत सम्मानित किए गए तीनों सैनिकों से एक कुमाऊं रेजिमेंट के दिवंगत हवलदार बलजीत की पत्नी हैं। उन्हें आज की परेड में अपने पति के लिए दूसरा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिला। बता दें कि लद्दाख सीमा पर चीन के साथ भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प में शहादत देने वाले कर्नल संतोष बाबू के साथ 19 और जवान शहीद हुए थे। इसमें नायब सूबेदार सतनाम सिंह और मनदीप सिंह के साथ बिहार रेजिमेंट के 12, पंजाब रेजिमेंट के 3, 81 MPSC रेजिमेंट का और 1 81 फील्ड रेजिमेंट के जवान शामिल थे। चीन ने संघर्ष में हताहत हुए अपने जवानों की संख्या का खुलासा आज तक नहीं किया है, लेकिन उसने आधिकारिक रूप से सैनिकों के मरने और घायल होने की बात स्वीकार की थी। गौरतलब है कि लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प हुई थी। भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा में घुसने से रोका था। इस दौरान कर्नल बी संतोष बाबू अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। बता दें कि हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हिंसक झड़प में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाया है। इस स्मारक में 15 जून को शहीद हुए सभी जवानों के नाम हैं। इस स्मारक का नाम गैलेंट्स ऑफ गलवान है। स्मारक में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत जवानों की वीरता का उल्लेख किया गया। इसमें बताया गया है कि कैसे सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।